पौड़ी के कोट ब्लॉक के दो छात्र नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों छात्र 17 जनवरी से रांची में अंडर 14 की फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कोट ब्लॉक के दो छात्र आर्य नेगी और अनुज नेगी का चयन बीते नवंबर माह में देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में हुआ। वहीं कोच आलोक चारू ने बताया कि दोनों छात्रों ने लगन और कड़ी मेहनत के साथ ब्लॉक स्तर पर फुटबॉल का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड के रांची में होने वाली नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में दोनों छात्र उत्तराखंड की टीम से हिस्सा लेंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जिस हिसाब से सर हमारे गांव में मतलब जैसे बड़े लोग हैं जो हमें मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो वो भी मतलब उन्हें ही करेंगे, तो उस हिसाब से मतलब उन्हें भी मेहनत करनी चाहिए और आगे निकलना चाहिए। जैसे राकेश सर, हमारे पीटीआई श्री राणा सर, चौहान सर और सर कमल उप्रेती सर, इन सब का मतलब मुख्य हो रहा कि मतलब तुम आगे निकलो। हम अंडर 14 के हम दोनों का चयन हो रखे, हम हमारा इस मुकाम में हमारे गुरुजन कोच और टीचरों का बहुत योगदान रहा है और हम ऐसे ही खेलते रहें और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। पर तो हमारी नहीं, पूरे क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। दोनों हमारे पड़ोसी गांव के बच्चों ने एक नेशनल लेवल पे ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले तो उन बच्चों को बधाई है। जैसे अभी आपने कहा, अभाव तो बहुत अभाव है। मेरे तो सरकार से और जो भी इनको देखते हैं उनसे निवेदन है कि आप एक बार गांव में तो घुसिए, गांव की प्रतिभाओं को तो देखिए, गांव के बच्चों को मौका तो दीजिए। गाँव के बच्चे अगर मौका मिले और उनको सुविधाएं मिले तो निश्चित है वो अपने देश और प्रदेश का नाम जरूर हर क्षेत्र में और हर गेम में नाम रोशन करेंगे।